व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? और सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग जा रहे हैं मंदिर, ग्रीन ग्रीन पहन रखा है क्योंकि आज सावन के पहला सोमवार है, तो हमने कहा हरे कपड़े पहनते हैं। सावन आ गया तो मतलब कि हरा हरा हो गया ना हर जगह। कांवड़ियों की भी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, अब बारिश में भी खूब होंगी दिल्ली में, दिल्ली NCR में, क्योंकि भोले बाबा अपने भक्तों पर हमेशा बारिश करते रहते हैं क्योंकि वो इतने पैदल चल चल के उनके पास जाते हैं। इसलिए अभी हमें लेना है दूध मंदिर में चढ़ाने के लिए, फिर अपने घर की पूजा करेंगे तब चाहिए, और बस बाकी कल हम घूमने गए थे तो हमने कल दूध मंगवा लिया था, तो हमारी चाय वाय के लिए दूध चाहिए। तो बस यही सब चल रहा है। अभी थोड़े से बेलपत्रा वो ले लेंगे, वहाँ मिल जाते हैं मंदिर के बाहर ही। यहाँ से हम लेते हैं अपना दूध, ठीक है जी? तो बने रहिए हमारे साथ आप लोग। व्यूअर्स, मंदिर तो हम हो आए हैं और उसकी मैं रील्स जो मैंने वहाँ पे दो बनाई थी तो मैं लगा दूंगा आप लोगों के लिए। और अभी हम कर रहे हैं अपनी आंटी का वे, जब आंटी आ जाएंगी तो घर में थोड़ा झाड़ू पोछा लग जाए, तो उसके बाद हम करेंगे अपने घर के शंकर भगवान की पूजा बस, और उसके बाद हम अपना जो चिप्स पापड़ हम खाते हैं व्रत में वो खाएंगे। लेकिन वो व्रत वाले चिप्स तो मिले नहीं इस वाले, तो मैं अपने साबुदाने की कचरी ले आया, ठीक है? तो वो खा लेंगे, और साबुदाने के थोड़े चिप्स लिया है वो खा लेंगे बस। आंटी आई थिंक हमारी आ चुकी हैं, झाड़ू पोछा लगाता हूँ, फिर घर के भगवान की पूजा करके बस शिवरात्रि का वो सॉरी सावन के सोमवार का पहली पूजा अच्छे से हो जाएगी हमारी सम्मा, है ना? तो बने रहिए इस वाले व्लॉग में, ये छोटा सा व्लॉग जाएगा आपके लिए सावन के पहले सोमवार का, ठीक है? लंबा नहीं जाए, मतलब कि थोड़ा छोटा सा चल जाए तो भी ठीक है, है ना विशेषता? है या। जाना चाहिए ना एक व्लॉग, तो छोटे छोटे व्लॉग जाते रहने चाहिए आप लोगों, ताकि आप हमें देख के खुश होते रहे, है ना? है ना? चलिए आंटी भी आ गई हैं और करते हैं पूजा फिर। गाइस, मंदिर कितना मस्त सज गया है हमारा, शंकर भगवान की पूजा अर्चना के लिए भगवान जी को प्रसाद भी चढ़ा दिया है, और सावन के शुभ सोमवार पे यहाँ पे होगी खाटू श्याम जी की भी स्थापना आज, ठीक है? मैं खाटू श्याम जी लेके आया था, ये तो बहुत अच्छी स्थापना हो गई है भगवान जी की, और बस अब आरती की तैयारी करेंगे। यहाँ पे देखिए जोत भी लगी, धूप बत्ती भी लगी है, जलधारी लग चुकी है, और यहाँ पे सब पूजा का सामान रखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है? यहाँ पे जो मैं लेके आया था मंदिर से, यहाँ पे इसी दूध में हमने मतलब कि इसी में हमने दूध शहद घी चीनी सब मिला दिया है अच्छे से, और यहाँ पे भगवान जी का अच्छे से स्नान करवाएंगे, फिर इनको जलधारी के नीचे लगा देंगे, ठीक है? और यहाँ पे श्वेता कर रही है पूजा, ठीक है? तो बस क्या बोल रही है, शिव चालीसा गा रही है ये। Thank you.
पूजा पाठ सब अच्छे से हो गया है और यहाँ पे जलधारी भी लग चुकी है शंकर भगवान के लिए, और खाटू महाराज भी यहाँ पे कितने मस्त लग रहे हैं बैठे हुए, तो पूरा दरबार अच्छे से सज गया। तो बोलो शंकर भगवान की जय। ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है व्रत में, सावन का पहले सोमवार का पहला ब्रेकफास्ट। ये देखिए चाय है, पापड़ है, ये है चिप्स है, बहुत सारी चीजें हैं। बस इसके बाद दोपहर में देखते क्या बनाएंगे। इधर देखिए सावन का पहला सोमवार है तो हमारे यहाँ बन रही है आलू गोभी की सब्जी, आलू और साथ में होंगे टमाटर और साथ में बनेगी पूरी और साथ में बनेगा यहाँ पे हमारा आम का अचार। हाँ, अगर जो कि गाजियाबाद में आसपास रहते हो, साहिबाद में रहते हो, तो उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, घर जैसा अचार मिलेगा आपको। ये भी ग्रीन पहना हुआ है। हाँ बता बता, इतना चिल्लाएगा, बोलो जय भोलेनाथ, बोलो जय भोलेनाथ। अच्छा क्या जय, बोलो जय। जब वीडियो बनती तभी ऐसे घूमना स्टार्ट कर देता है, इसको लगता है कि इसकी रील बन रही है। घूम घूम घूम। तो गाइस ये देखिए सावन के पहले सोमवार का बढ़िया सा आ गया है डिनर, जिसमें आलू गोभी की सब्जी है, ये आपका आम का अचार है, बढ़िया बढ़िया फूली फूली पूरी आई है। तो यही है, बोलिए शंकर भगवान की जय, और ऐसे शंकर भगवान हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाते रहे। और ये सो इस वाले ब्लॉग को मैं करता हूँ पेन, और ये महाशिवरात्रि का बहुत एक अच्छा सा ब्लॉग आपके पास जा रहा है। सो इसमें हमने क्या देखा, और हमारा सावन का पहला सोमवार कैसा बीता, कैसा गया, सो ये सब आपने देखा, और कल का भी ब्लॉग मैं शूट करूंगा आप लोगों के लिए। सो ब्लॉग सब आते जा रहे हैं आपके पास धीरे धीरे, टाइम टू टाइम, ठीक है। तो जितना हो पाता है मुझसे मैं उतना बना के आपको प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। सो आप अपने मेरे इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और बने रहिए इस चैनल पे, ठीक है। बाय बाय।